आप सभी का राम राम। इस राकेश इंदौरी का, और आज मैं आपको आई बस का सफ़र कराने वाला हूँ। मैं भी खुद 6-7 साल बाद सफ़र करने वाला हूँ। 6-7 साल पहले मैं आई बस में खुद जॉब करता था, सो अब उसके बाद मौका मिल रहा है, क्योंकि बाइक आने के बाद आई बस का सफ़र हो ही नहीं पाया। तो आई बस के बारे में बता दूँ, आई बस पे जो रोड है, ये ए बी रोड पे चलती है आई बस, और यहाँ एक BRTS सिस्टम है। BRTS सिस्टम मीन्स बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें सिर्फ आई बस के अलावा दूसरी कोई व्हीकल नहीं चलती है। तो जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते हो आप। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसका किराया भी काफ़ी कम होता है। आप 15-20 रुपए में भंवरकुआं से विजयनगर तक पहुँच सकते हो आराम से। और इसी रोड पर आपको C21 मॉल भी मिल जाएगा, पलासे स्क्वायर भी है, इंदौर का चिड़ियाघर भी है, नवलखा बस स्टैंड भी है। सो बड़े बड़े जो है स्पॉट, बड़े बड़े स्क्वायर इसी रोड पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट एरिया है, जैसे गीता भवन भंवरकुआं, ये भी इसी रोड पे हैं। तो काफ़ी सारे लोग इससे सफ़र करते रोज अपने ऑफिस जाते हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, मैं हूँ अभी विजयनगर के आई बस स्टॉप पे, और अभी मैं जाने वाला हूँ भंवरकुआं तक। तो बताता हूँ आपको अंदर बैठ के कैसा एक्सपीरियंस है काफ़ी दिनों बाद। चलो चलते हैं। ये ले लिया है मैंने टिकट, ये 15 रुपये की टिकट आई है भंवरकुआं तक। चलो, तो टिकट लेने के बाद आपको इस मशीन को अपना टिकट शो करना है, और टिकट शो करने के बाद ये गेट खोल देगा, और फिर आप आई बस का जो स्टॉप है वहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। हर 2-3 मिनट में आपको बस अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि 50 से ज़्यादा बसें इसी रूट पे चल रही है सिर्फ। बस अभी निरंजनपुर मतलब देवास नाके से लेके महू के रेलवे स्टेशन तक चल रही है, तो जिसमें आपको, अगर आपको महू तक जाना है तो आपको राजीव गांधी से बस चेंज करनी पड़ेगी, पर आप 30 रुपये में देवास नाके से महू के रेलवे स्टेशन तक जा सकते हो। चलो अब बस के अंदर चलते हैं और अंदर का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। तो वीडियो बनाते बनाते पसीने में भीग चुका था बार बार चल फिर के, तो आई बस में जब बैठा और एसी की हवा जैसी लगी, वाह, मन तो खुश हो गया। एक रिलैक्सेशन मिला, एक ठंडी ठंडी हवा लगी, और बस की खिड़कियां काफ़ी इतनी बड़ी है कि शहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी दिनों से इस तरीके से नहीं लिया था। विंडो सीट पर बैठने के बाद इंदौर कुछ अलग ही दिखता है। तो आपको भी शहर का नज़ारा लेना है सिर्फ, तो बस विंडो सीट पे बैठ जाओ और शहर का नज़ारा लो।
इंदौर स्वच्छता में पिछले 4 सालों से नंबर वन पे है और आगे भी नंबर वन पे ही आएगा, क्योंकि हमारे शहर की जो सड़कें हैं, बस का स्टॉप है, बस है, आपको कहीं भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी। शहर अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी रोडों पे पूरे दिन भर ट्रैफिक रहता है, और आपको अगर ट्रैफिक से बचना है तो आप आई बस में सफ़र कर सकते हो। ₹110 लीटर अभी पेट्रोल हो चुका है। सो अगर आपको विजयनगर से भंवरकुआं जाना है और ट्रैफिक में जाना है तो टाइम भी लगेगा आधा घंटा और पेट्रोल भी लग जाएगा आधा लीटर। तो बढ़िया, आप ₹15 दो विजयनगर के आई बस स्टॉप पर और आई बस में सफ़र करते हुए पहुंच जाओ भंवरकुआं। आपको बता देता हूँ कि अगर आपको चिड़ियाघर जाना है तो आपको उतरना पड़ेगा इंदिरा गांधी प्रतिमा बस स्टॉप पर। अगर आपको बस स्टैंड जाना है तो आप नवलखा बस स्टैंड उतर सकते हो। वहाँ से काफ़ी सारी बस अलग अलग शहरों में जाती है, जैसे खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, मुंबई, बहुत सारे शहरों का के लिए बस वहाँ से मिल जाती है। चिड़ियाघर के अलावा आपको अगर पलासिया स्क्वायर पे उतरना है, आपको खाने पीने का शौक़ है, आपको 56 दुकान जाना है तो आपको उतरना है पलासिया स्क्वायर पर। अगर आप किसी जॉब ढूंढ रहे हो या आपको कोई ऑफिस वगैरह विजिट करनी है तो आपको उतरना पड़ेगा विजयनगर स्क्वायर पर। आप अगर स्टूडेंट हो, आप नई IPS और IAS की या MPSC की कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आपको उतरना पड़ेगा गीता भवन या तो भंवरकुआं पर। और अगर आपको इंदौर की यूनिवर्सिटी जाना है, मतलब DAVV यूनिवर्सिटी, तो आपको उतरना है होलकर साइंस या तो भंवरकुआं बस स्टॉप पर। और एक और ख़ास बात, लड़कियों के लिए पिंक कलर की आई बस है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती है, तो इसमें सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। तो मैं आ चुका हूँ भंवर को स्क्वायर पे, और ये देखो अब क्योंकि मेरी बाइक खड़ी है विजयनगर पे, तो अभी फिर से विजयनगर जाऊँगा मैं। सो आपको थोड़ा सा नाइट वाला लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो कंटिन्यू बने रहो अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। चलो चलते हैं। आई बस सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक चलती है, जिसमें हजारों लोग इसमें सफ़र करते हैं। आई बस को आई बस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई बस इंटेलिजेंट बस सर्विस है और ये अहिल्या पथ मतलब BRTS पे चलती है। और बाकी आप वीडियो में देख ही चुके हो, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं पहुंच चुका हूं वापस विजयनगर, और बस गाड़ी लेके अब घर जाएंगे। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताना। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।